कहते हैं कि हर एक इंसान लंबाई चाहता है क्योंकि लंबाई उसके व्यक्तित्व में बहुत ही महत्व रखती है, और अगर हमारे पास लंबाई ना हो तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होता है। पर कहते हैं कि अगर कभी कभी हमें कोई चीज़ हमारी चाहत से ज़्यादा मिल जाए तो वो कहीं ना कहीं पे या तो लोगों के लिए मिसाल बन जाती है या फिर कुदरत का एक करिश्मा बन जाती है। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो भारत के सबसे लंबे आदमी हैं और जो जाने माने ग्रेट रेसलर खली से भी लंबे हैं। तो हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं भारत के सबसे लंबे आदमी से, जिनकी लंबाई 8 फीट 1 इंच है और जिनका नाम है धर्मेंद्र प्रताप सिंह। धर्मेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका R9 TV में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, सबको मेरा नमस्कार। धर्मेंद्र जी, आपके पास भारत के सबसे लंबे आदमी का रिकॉर्ड है जो लिम्का बुक ऑफ में दर्ज भी हो चुका है, कैसा लगता है इतनी लंबाई के साथ रह पाना, बताएं? अधिक लंबाई तो है ही मेरी, जो है थोड़ा सा बढ़िया है, मतलब लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र भी है, और तो इस लंबाई से मुझे थोड़ी सी बढ़िया मतलब फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं और अच्छा भी है मेरे लिए जो है, और थोड़ी सी समस्या भी है इसके साथ जी। तो जैसे मार्केटिंग वगैरह करना मेरे लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं है, लोग आगे पीछे, तो उस वजह से जो है दिक्कत है जी। मैं अपना खुद मार्केट जाके कोई सामान नहीं ले सकता जी। लोग भीड़ लगा लेते हैं कि मुझे सेल्फी दी, मुझे दीजिए सर, अपने साथ फ़ोटो खिंचवाइए मुझे, तो ये सारी समस्याएं मेरे साथ जुड़ी हैं, और दैनिक दिनचर्या में मुझे जो है बाधाएं तो आती हैं लेकिन उसको मैं फेस करता हूं, ऐसी बात नहीं है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने भी पहुंचे थे, क्या कारण था? मेरी एक थोड़ी सी छोटी समस्या थी, वो लेके मैं गया था उनके पास, तो चूँकि उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, वो दिल्ली में थे, माननीय अरुण जेटली जी को देखने गए थे, उनके स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी जानकारी, तो वो हमको आज वहाँ पे मिल नहीं पाए, और उनका जो कार्य था कोई है कोई और देख रहे थे, सचिव थे वहाँ पे, तो मेरी समस्या थी मेरा जो है थोड़ा सा कूलर रिप्लेसमेंट होना है, तो उसके लिए मैं जब गया था वहाँ पे थोड़ी सी हमको हेल्प मिल जाएगी। हमारे साथ थे भारत के सबसे टॉलेस्ट मैन धर्मेंद्र प्रताप सिंह, जिनका कहीं ना कहीं से मन है कि वो भी राजनीति में आना चाहते हैं, मोदी जी को अपना आइडल मानते हैं, उनका कहना ये है कि अगर मैं राजनीति में आऊँगा तो मैं देश की सेवा करूँगा। अब देखना ये है कि कितनी जल्दी से जल्दी मोदी जी उनको राजनीति में बुलाते हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। संदीप खेर, कैमरा पर्सन प्रियांश के साथ R9 TV लखनऊ।